अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो डायनामिक्स बाय डॉक्टर इकरा फातमा। आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। टुडे आई एम गोइंग टू कवर अ टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट ईयर डीपीटी काइनेजोलॉजी, वॉकिंग एड्स। इस टॉपिक का नाम है। इसी तरह हम मज़ीद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर से भी टॉपिक्स उठाते जाएंगे और उसको कवर करते जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर मज़ीद ऐसे लेक्चर्स चाहते हैं जो हम बनाएं और आप तक पहुंचाएं, आपकी हेल्प कर सकें। तो वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें इस बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। तो पहला पहला टॉपिक जो अपने चैनल पर मैं कवर करने वाली हूँ, वॉकिंग एड्स है बट डॉक्टर इकरा फातमा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉकिंग एड्स। देर आर नंबर ऑफ एड्स अवेलेबल टू असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग और कैन नॉट वॉक इंडिपेंडेंटली विदाउट वन एंड वियर बैलेंस एंड स्ट्रेंथ इज इनएडिक्वेट। ठीक है, वॉकिंग एड्स नाम से ही आपको इसका मतलब पता चल रहा है। फर्स्ट डीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों ने एंड तक प्लीज़ इसको देखना है ताकि आपको मैं मज़ीद जो है इसके एसएक्यूज़ के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में बता सकूँ, गाइड कर सकूँ और आपको लेक्चर समझा सकूँ। सो इसको एंड तक प्लीज़ देखें, ठीक है, और मेरे साथ रहिए, टू रिमेन विद मी। जी, वॉकिंग एड्स। एड्स से पता चले किसी की हेल्प करना। जब कभी भी किसी मुल्क के ऊपर कोई भी डिज़ास्टर आता है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, तो लोग एड्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, खाना, फूड की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह एक वॉकिंग एड्स है। अपने फील्ड में रहते हुए एड्स हम किन लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? जो नीडी पीपल होते हैं, जैसे कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है, जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, जो जिनको फ्रैक्चर जो मेट करते हैं विद फ्रैक्चर, तो ये टेम्परेरी एक असिस्टेंस होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है उन लोगों के लिए। ठीक है जी, अब कौन कौन से होते हैं? दीज एक्सटर्नल असिस्टिव डिवाइसेज आर क्रचेस, डिस्क एंड फ्रेम्स। ऑर्थोसिस, प्रोस्थोसिस भी होते हैं, लेकिन उनको हम फर्दर आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। फर्दर मेन जो टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने वाला है वो क्रचेस, डिस्क और फ्रेम्स है। हाउ टू ट्रेन द पेशेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द क्रचेस, फॉर द स्टिक्स, फॉर द फ्रेम्स, हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। मेरे साथ रहिए, आज टॉपिक में कवर करने वाली हूँ वो क्रचेस है। चलें, इट इज़ अ टाइप ऑफ वॉकिंग एड एंड हैज थ्री बेसिक टाइप्स। ठीक है, ये बात याद समझ लें। क्रचेस आर यूज टू रिड्यूस वेट बेयरिंग ऑन वन और बोथ लेग। जाहिर सी बात है, वो अपनी बॉडी के ऊपर वेट पुट नहीं कर सकता पेशेंट, तो इसीलिए हम उसको एक एक्सटर्नल डिवाइस दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अपना वेट, अभी ज़रूरत भी नहीं है कि वो अपने ऊपर अपनी बॉडी वेट को यूज़ करे, तो इसीलिए हम उसको एक्सटर्नल डिवाइस दे दी है। जब वो इस काबिल हो जाएगा, जब उसकी स्ट्रेंथ, उसका बैलेंस इस काबिल हो जाएगा कि उसको ज़रूरत नहीं होगी क्रचेस की, तब हम क्रचेस रिमूव कर देंगे। फ़िलहाल आपने क्रचेस का इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि आप उसके ऊपर अपना वेट आ सके। ठीक है, ये बात, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ए, बी और सी, इसकी तीन कैटेगरीज हैं, एक्सिलरी, एल्बो एंड गटर क्रचेस। वन बाई वन हम इनको डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब पार्ट्स ऑफ एक्सिलरी क्रचेस क्या क्या हुए हैं? दे आर मेड ऑफ वुड विद एक्सिलरी पैड, हैंड पीस एंड अ रबर फरल। द पोजिशन ऑफ द हैंड एंड टोटल लेंथ कैन बी एडजस्टेबल। ठीक है जी, ये देखिए क्रच पैड है, हैंड ग्रिप है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास रबर फरल है, देख रहे हैं आप। ठीक है, रबर फरल जो है ये एंड पिक स्टॉपर होता है। ठीक है, एक रबर का बना हुआ होता है, इसको जो है ये हमारा एक्सिलरी क्रच हो, एल्बो क्रच हो, गटर क्रच हो, इन तीनों में यूज़ हो रहा होता है। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स, इसके पार्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है, या आप एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट भी हैं, डीपीटी स्टूडेंट भी हैं, आपको पता होना चाहिए आप जो टॉपिक कवर कर रहे हैं आपको उसके बारे में कितना पता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चाहिए। द पोजिशन ऑफ द हैंड एंड टोटल लेंथ कैन बी एडजस्टेबल। जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट हाइट, एक तो आप हाइट के अकॉर्डिंगली, उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली उस कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसके बाद भी अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आपको वो सेटल डाउन नहीं होता, आप उसको इन सब चीज़ों की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सिलरी क्रचेस को यूज़ कैसे किया जाए। ठीक है जी,
Axillary pair should rest against the chest wall approximately 5 cm below the apex of axilla, and hand grip should be adjusted to allow the elbow to slide in place when weight is not being taken. पहले पॉइंट पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है ये क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है। देखिए एक्सिलरी पैड को आपने कहाँ रेस्ट करना है, इस पोजीशन पे एपेक्स ऑफ एक्सिला से 5 सेंटीमीटर बिलो रखना है, और हैंड ग्रिप शुड बी एडजस्टेड टू अलाउ द एल्बो साइड। अब हैंड ग्रिप इस तरह से आपने हैंड ग्रिप करनी है कि आपकी जो एल्बो है वो क्या है, स्लाइटली फ्लेक्स्ड होनी चाहिए, सही है, ये बात आपने याद रखनी है। और आपकी जो क्रचेस हैं वो क्या हों, 20 सेंटीमीटर लेटरल हों, ठीक है जी। अभी आपने वेट पुट नहीं किया, ये बात आपने जहन में रखें। नेक्स्ट, वेट इज ट्रांसमिटेड डाउन द आर्म टू द हैंड पीस, एल्बो इज एक्सटेंडेड। जैसे ही आप वेट अपने क्रचेस के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, आपकी एल्बो एक्सटेंशन में चली जाएगी, स्ट्रेट आर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये पॉइंट्स वो थी स्टार्टिंग पोजीशन और ये आपकी मूविंग पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन, अब वेट जो है टेकन टू एक्सिलरी पैर लीड टू न्यूरोपेक्सिया ऑफ रेडियल नर्व और ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ये बात इस पॉइंट को मार्क कर लें, ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सिलरी क्रचेस के यूज़ करने से क्या हो सकता है अगर आप वेट उसके ऊपर डालें। आपने वेट जो है अपने हैंड ग्रिप के ऊपर डालना है, क्रचेस के ऊपर डालना है, ठीक है, एक्सिलरी पैड के ऊपर सिर्फ आपने अपने एक्सिला को प्लेस किया हुआ है, सही है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रचेस, देर आर टू मेथड्स विद शूज ऑफ विद शूज ऑन। इसमें सबसे एक्यूरेट मेथड है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक्यूरेट मेथड फॉर द एक्सिलरी क्रचेस वो कौन कौन से हैं, विद शूज ऑफ विद शूज ऑन है, या आप शॉर्ट एसक्यू भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। और एक्यूरेट मेथड कौन सा है, विद शूज ऑफ और शूज ऑन के साथ लेस एक्यूरेट मेथड है। आप कैसे मेजर कर सकते हैं, एपेक्स ऑफ एक्सिला टू लोअर मार्जिन ऑफ मीडियल मैल्यूलस। आपने एंकल पढ़ा, एंकल के एक साइड पे हमारे पास लेटरल मैल्यूलस होते हैं और अंदर वाले साइड पर मीडियल मैल्यूलस होता है, तो आपने मीडियल मैल्यूलस तक एपेक्स ऑफ एक्सिला टू द लोअर मार्जिन ऑफ मीडियल मैल्यूलस। अब मीडियल मैल्यूलस का अपर मार्जिन होता है, मिडल मार्जिन, मिडल एंड लोअर पार्ट होता है, लोअर मार्जिन होता है, तो लोअर मार्जिन तक आपने मेजर करना है, ये बात जहन में रखें। जब भी आप मेजरमेंट करने लगे तो एक्यूरेट मेजरमेंट करें, ठीक है, आपने ऐसे सिर्फ मार्जिन की जो प्रोमिनेंस है उस तक मेजर नहीं करना, उसके लोअर मार्जिन तक मेजर करना है। विद शूज़ ऑफ, शूज़ उसने पहने नहीं हुए, विद लाइंग पोजिशन में है। विद शूज़ ऑन, शूज़ पहने हुए, 5 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ एक्सिला टू द पॉइंट, 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द शील ऑफ द शूज़, सही है, ये बात आपने याद रखनी है। शूज़ ऑन के साथ करें तो 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन, सही है, एंड 20 सेंटीमीटर लेटरल टू द हील ऑफ द शूज़, और ये लेस एक्यूरेट मेथड है, सही है, ये बात आपने याद रखनी है। ये आप डायग्राम में देख रहे हैं 2 to 3 finger space, ठीक है, ये जो बात बताई गई है ये है जी 5 सेंटीमीटर वर्टिकली डाउन फ्रॉम द एपेक्स ऑफ एक्सिला, एल्बो आपकी क्या है, बेंट है। अच्छा, अब आपने देखा कि आप एक्सिलरी पैड जो है उससे हैंड ग्रिप तक की भी तो एक लेंथ होगी जिसको मेजर किया जा सकता है। अब हर किसी के आर्म्स की लेंथ एक तो एक जैसे तो नहीं होती, तो उसकी भी मेजरमेंट होती है। कैसे मेजरमेंट होती है, एल्बो को हम स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे, कितना, 15 डिग्री, और कहाँ तक मेजर करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर बिलो द एपेक्स ऑफ एक्सिला टू द अल्नर स्टाइलेट प्रोसेस, ठीक है। अगर जैसे पेशेंट सपोर्ट कर लेगा क्रचेस को यूज़ करने है, उसको आ जाएगा, तो इट इज़ द ड्यूटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट टू ट्रेन द पेशेंट फॉर द करेक्ट यूज ऑफ द क्रचेस, ठीक है। नेक्स्ट, एल्बो क्रचेस, दे आर मेड ऑफ मेटल्स एंड हैव अ मेटल और प्लास्टिक फोरआर्म बैंड, दे आर यूजुअली एडजस्टेबल इन लेंथ बाय मींस ऑफ प्रेस क्लिप और मेटल बटन, हैव अ रबर फरल, दीज आर सुटेबल फॉर द पेशेंट विद गुड बैलेंस एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ये पॉइंट आपके जहन में रखना चाहिए कि एल्बो क्रचेस किन लोगों को दिया जाता है जिनका गुड बैलेंस है एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स है, जबकि एक्सिलरी क्रचेस उन लोगों को दिए जाते हैं जिनका बैलेंस इतना अच्छा नहीं होता, जिनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। एल्बो में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बट फॉर द टेम्परेरी यूज़ आप उसको दे सकते हैं, लाइक आफ्टर द एक्सीडेंट, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, इसको भी कैसे मेजर किया जा सकता है, अब ये बात याद रखें, उसमें एक्सिलरी क्रचेस में जो आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि शूज़ ऑन के साथ आपने शूज़ ऑन जो है वो आपका कैसा मेथड था,
शूज़ ऑन के साथ आपका लेस एक्यूरेट था और शूज़ ऑफ के साथ एक्यूरेट मेथड था, जबकि ऑपोजिट हो गया है हमारे पास एल्बो क्रचेस में कि शूज़ ऑन के साथ ये एक्यूरेट मेथड है और विद लाइंग पोजिशन आपने मेयर करना है सेम एज इट इज़ लाइक 15 डिग्री एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होगी अलनस टाइलेट टू द पॉइंट 20 सेंटीमीटर लेटर टू द हील ऑफ द शूज़ लेंथ मे बी एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। ठीक है जी, ये बात याद रखने। अब ये एमसीक्यू पॉइंट हिसाब से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जी गटर क्रचेस एडजस्टेबल आर्थराइटिक क्रचेस फॉर आर्म सपोर्ट क्रचेस। अब देखिए गटर क्रचेस पढ़ने लगे हैं तो आपको गटर क्रचेस के तीन नाम पता चल गए, एक गटर क्रचेस का अपना खुद का नेम, फिर एक एडजस्टेबल आर्थराइटिक क्रचेस और एक फोर आर्म सपोर्ट क्रचेस। या आपको अगर एसएक्यू दिया जाता है तो वो आपको तीन नाम डिफरेंट तरीके से लेके दिए जा सकते हैं एसएक्यू बनाते हुए, समझ रहे इस बात को? ठीक है, मार्क इट डाउन कि ऐसा हो सकता है, सही, इसीलिए आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। दे आर मेड ऑफ मेटल विद अ पैडेड फोरआर्म सपोर्ट एंड स्ट्रैप एंड एडजस्टेबल हैंड पीस एंड रबर फरल, सेम एज इट इज़। अब जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि किन पेशेंट में यूज़ होता है, रूमेटिक डिजीज के पेशेंट्स में यूज़ होता है। फिर अब इसकी मेजरमेंट देख लेते हैं, इफ द पेशेंट इज एबल टू स्टैंड इज बेटर टू असेस रिक्वायर्ड लेंथ इन पेशेंट फ्रॉम एल्बो टू द फ्लोर, अगर तो स्टैंड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उसको करवा स्टैंडिंग पोजिशन में ले सकते हैं, लेकिन लाइंग पोजिशन में कब लेंगे विद शूज़ ऑन, एल्बो में भी शूज़ ऑन के साथ लिया था, दो मेथड किसके अंदर थे हमारे पास एक्सिलरी में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इन लाइंग पोजिशन विद शूज़ ऑन मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फ्लेक्स्ड एल्बो टू 20 सेंटीमीटर लेटर टू द हील, जब भी आप शूज़ ऑन के साथ लेंगे तो आपका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 20 सेंटीमीटर लेटर टू द हील। ऑफ के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ के साथ आप मिडिल मेलियोलस तक ही ले रहे थे एक्जिला में, ठीक है, एक्सिलरी क्रचेस में अंदर। ठीक है, अब इनमें अब गटर क्रचेस हो या एल्बो क्रचेस हो उसमें आप जो है वो शूज़ ऑन के साथ मेजरमेंट करते हैं, ये पॉइंट याद रखिए, और कहाँ से करते हैं, फ्लेक्स एल्बो से 20 सेंटीमीटर लेटर टू द हील। ठीक है, होपफुली आपको ये क्रचेस समझ आ गया होगा, इट इज़ वेरी ईजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट एसएक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, इनका यूज़ पूछा जा सकता है, इनको मेजरमेंट इनकी पूछी जा सकती है, सो इसको इसका कॉन्सेप्ट, इसकी मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट बनाते जाएँ और इसको पढ़ते जाइए, सही है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, गटर क्रचेस, स्टे ट्यून्ड, फर्दर हम लोग ऐसे ही मज़ीद आगे चलते जाएंगे, फॉरवर्ड मूव करते जाएंगे, प्रिपरेशन हम उसकी देखेंगे नेक्स्ट मेरी वीडियो में, आप उसकी प्रिपरेशन देख सकेंगे, फिर नेक्स्ट हम स्टिक्स और फ्रेम्स पढ़ेंगे। तो स्टे विद मी एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फिजियो डायनामिक्स बाय द डॉक्टर इकरा फिजियोथेरापिस्ट पीटी। अल्लाह।